पिछले कुछ महीने से लगातार चुनाव आयोग की तैयारियां चल रही हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रसार में व्यस्त हैं, राजनेता रणनीति बनाने में जुटे हैं, उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं मतदाता चारों तरफ की बातें सुन रहे हैं। पहले चरण का चुनाव खास अहमियत रखता है, उसकी वजह है कि यह चरण आगे की गति तय करेगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सभी सीटों के साथ ही नॉर्थ ईस्ट की सीट और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में मतदान किए जा रहे हैं। इन सब के लिए 17वीं लोकसभा के लिए आज देश के 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए मतदान किए जा रहे हैं। मतदान के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। इसी के साथ 23 मई तक चुनावी नतीजे आ जाएंगे और 5 हफ्ते से ज़्यादा समय तक चुनावों के दौरान यह व्यवस्था बनी रहेगी। इस चरण में कई बड़े चेहरों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। बीजेपी के नितिन गडकरी, वीके सिंह, महेश शर्मा, किरण रिजिजू के साथ ही विपक्षी नेताओं में राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह, जयंत चौधरी, पूर्व सीएम हरीश रावत, टीआरएस के कविता की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। वेब 23 न्यूज़ से साक्षी की रिपोर्ट।